सो व्हाट्सअप गाइस गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी जो है आप ऐसी एडिटिंग कर पाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत जो है नहीं आएगा। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये वाली बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बैकग्राउंड का एंड जितना भी मैं PNG यूज़ करूँगा सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को देख लो, उसके बाद आराम से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करने के बाद चले जाना ऐड फोटो में एंड जो अपना मॉडल है उसको जो है यहाँ पर ले आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ अपना एक फ़ोटो को। एंड गाइस, मैंने जो है इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। अगर आपको इरेज करना नहीं आता तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है कि कैसे फ़ोटो का बैकग्राउंड को इरेज करते हैं, आप उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि कैसे मैं अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करता हूँ। एंड गाइस, अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने लग गया तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए उस वीडियो को देख लेना, पहले इस वीडियो को देख लो। ठीक है, एंड कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, देख सकते हो मैंने किया है। ठीक है, यहाँ से आपको डन नहीं करना है, यहाँ से आपको चले जाना है यहाँ पर ऐड फोटो में, जो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिया है इस पर चले जाना। एंड गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक शेडो PNG दे दूंगा, इसको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, एंड ऐड करने के बाद ठीक अपने जो पैर पे है उसको लगा देना कुछ इस तरह से, थोड़ा सा इसको खींच के लंबा कर देना, कुछ इस तरह से एडजस्ट करना, यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउन कर देना, इससे जो है ये मॉडल के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पर चौड़ा कर देते हैं खींच के कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड ये यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, मतलब ऐसा लगेगा जो हमारा शेडो है वो वहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा लगेगा हमारा। ठीक है, एंड यहाँ से कर देंगे डन। एंड गाइस, यहाँ पर चले जाएंगे अगेन ऐड फोटो के अंदर। एंड गाइस, ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो है एक और PNG यहाँ पर ऐड करेंगे, ये वाला PNG एंड ये वाला। ठीक है, ये दोनों PNG यहाँ पर ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से। वीडियो को लास्ट तक देखते रहो गाइस, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो को स्किप भी मत करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखो, तभी जो है आप समझ पाओगे। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लेके आना है एंड हाथ के पास में ऐसा रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से, एंड इस तरह से रखने के बाद यहाँ से आपको इसको डन नहीं करना है, चल जाना है यहाँ पर ऐड फोटो में यहाँ पर से। ठीक है, ऐड फोटो में जाने के बाद उसी शेडो को दोबारा आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। एंड गाइस, ऐड करने के बाद इसको क्या करना है, ये जो हमारा जो बॉम है बॉम के नीचे में आपको यहाँ पर लगा लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसको डाउन कर देना है, इससे जो है ये बॉम के नीचे चला जाएगा कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, एंड हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस ये वाली PNG को ले आएंगे एंड इसको घुमा लेंगे इधर एंड इसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद अपने हाथ के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ऐसा करेंगे जैसे कि लगे कि हमने इसको पकड़ रखा है। ठीक है, एंड चल जाएंगे इरेजर पे एंड इसका हार्डनेस हल्का बढ़ा लेंगे एंड कुछ इस तरह से इरेज कर देंगे। ठीक है, जो ज़्यादा इरेज हो जाए उसको ड्रॉ वाले टूल में क्लिक करके इसको जो है वापस ले आएंगे। तो ये हो गया, एंड गाइस सिंपली कर देंगे यहाँ से डन, डन करके अगेन डन। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, ठीक है, सब कुछ बता रहा हूँ मैं। चले जाना अगेन एड फोटो में एंड यहाँ पर एक टेक्स्ट PNG और ये फायर वर्क PNG, इसको दोनों को ले आएंगे। ले आने के बाद इसको साइड कर लेते हैं, इसको लगा लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर चले जाएंगे ब्लेंड में और यहाँ पर स्किन कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस इस PNG को ले आएंगे और इसको यहाँ लगा देंगे, हो गया, एंड सिंपली कर देंगे डन। एंड गाइस, पिक्सआर्ट का जो है सारा काम हो चुका है। ठीक है, पिक्सआर्ट का सारा काम हो चुका है, तो सिंपली चले जाएंगे हम यहाँ पर ड्रॉ वाले टूल के अंदर कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे। ठीक है, एंड गाइस सेव करने के बाद क्या करेंगे, इस फोटो को जो है लाइटरूम ऐप में ओपन करेंगे, उसमें थोड़ा कलर रिटचिंग करेंगे जैसे जो फोटो हमारा वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा रियल जैसा लगेगा। ठीक है, तो लाइटरूम ऐप को मैंने ओपन कर लिया है एंड सिंपली चल जाएंगे यहाँ ऐड फोटो में और जो हमने पिक्सआर्ट से एडिट किया था उस फोटो को यहाँ ऐड कर लेंगे। उसके बाद चल जाएंगे ऑल फोटोज़ में और वो फोटो को ओपन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखना, जैसा जैसा मैं करूँगा वैसा करना। तो लाइट वाले टूल के अंदर जाना, हाईलाइट को कम करना, शेडो को बढ़ा देना, वाइटनेस को हल्का बढ़ाना और जो ब्लैक है उसको थोड़ा कम कर देना। नीचे वाले टूल के अंदर आना और ये जो वाइब्रेशन है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना। ठीक है, मिक्स टूल में जाना, सेकेंड कलर पर क्लिक करके सैचुरेशन कम करके लुमिनेशन बढ़ा देना एंड फर्स्ट कलर में आना, ह्यू को बढ़ा देना, सैचुरेशन को रहने देना और लेमिनेशन बढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले टूल के अंदर आएंगे, क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे और जो भिग नेट है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे
एंड नीचे वाले टूल के अंदर आएंगे, शार्पनिंग बढ़ाएंगे, नॉइज डिटेक्शन को बढ़ा के कलर नॉइज डिटेक्शन को बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखते हो बिफोर एंड आफ्टर, ये पिक्सार वाला या लाइट रूम वाला, थोड़ा बहुत कलर जो है आ चुका है तो थोड़ा रियल लग रहा है, ठीक है। एंड गाइस रेडी होने के बाद शेयर वाले बटन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फोटो को कर लेते हैं सेव। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।